मुझे याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हें अभी ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा एक पापा बनके। मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगी एक बेटी बनकर। खुश रहो, भगवान करे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां मिले। अरे सारा वक्त मेरे साथ जाया कर दोगे तो शादी कौन करेगा? तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत प्यारी लग रही। मैं बाहर ही क्या कर रहा हूं मैं? पूर्वी को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? अरे उसकी शादी हो जाएगी आरवी के साथ, और एक बार शादी हो गई उसके बाद तो पूर्वी गई मेरे हाथ से। अरे यार मैंने सच्चा वाला प्यार किया है। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शादी को रोकना ही होगा। पूर्वी को पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा। पर मैं क्यों डर रहा हूँ? किसके डर रहा हूँ मैं? अरेस्ट होने से डर रहा हूँ। अरे अरेस्ट हो गया तो हो गया, दिल्ली ना गया यार। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज से शादी को रोकना ही होगा। भाई आप क्या कर सकते हैं? आप वहां जाओगे तो पकड़े जाओगे। नहीं पकड़ा जाऊंगा यार, कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे मैं पकड़ा ना जाऊं। पर मैं पूर्वी को ना वहां से लेकर निकल जाऊंगा, पर शादी तो आज ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाभी को वहां से उठाने के लिए मिस्टर इंडिया तो नहीं बन सकते ना? और आपको कौन नहीं जानता? और वहां वो खड़े दो चौकीदारों के पास में आपकी फोटो तक दे रखी है। आप कैसे जाएंगे? करे तो क्या करे, सोचो सोचो कुछ सोचो तो। देना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लोग हाथ पैर चलाते रहते हो, कभी कभी दिमाग भी चलाया करो। हैं बैठे रहते हो 24 घंटे। आप लोग को बताना पड़ेगा कि हम कौन है चिकने। अरे हमारे बिना शादी कैसे होगी रे? अरे जोड़ी को दुआएं देने आए, दुआएं देने स्पेशली बुलाया है हमें। क्या ताड़ ताड़ के देख रहा है? अरे बलाए लेने आए हैं, ला तेरे भी बलाए ले लेती हूँ। भगवान करे तुझे सिक्योरिटी गार्ड में ऐसे चौकीदार बना दे, तेरा वन रूम किचन का आलिशान बंगला हो, 2 पहिया वाली लंबी सी गड्डी हो, 250-300 किलो वाली एक बड़ी सी बीवी हो, और खर्चा करवाने वाले बहुत सारे बच्चे हो। ठीक है ठीक है, आप जाइए अंदर जाइए, बोलिए वो जाओ। चल रे अंदर चलते, यहाँ का तो काम पूरा हो गया, अब अंदर जाकर वो काम को अंजाम देते जो करने हम यहाँ पे आए। मुस्तंडा कहीं का, चल रे। अपनी दुल्हनिया को तो आज मैं साथ लेके जाऊंगा। अरे हाँ भाई, वहीं पे वहां से राइट लेगा, पहले लेफ्ट में। अरे हाँ वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख जाएंगी, आ जा आ जा आ जा। हाँ अरे तुझे दिख जाएगा यार। अरे हाँ अरे हाँ अरे क्या कर तुम यहाँ पे, ऐसे क्या कर रहे हो? और
तुम्हारा साफा गया, तुमने साफा क्यों उतारा? तुम्हें पता है ना अभी शादी और तुम एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे अब डांट नहीं खानी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हेलो सुनो, हेलो, एक तुम्हारी खुशी, ओए कितने जा रही है पाक पाक की? फुहारदी के पीछे कैसे पागल लड़के से शादी करवा रहे हैं हमारे पियू की? पागल लड़का? हाँ, और एक बात सच बता, मुझे ना उसके बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, घुंघराले, इमेजिन घुंघराले बालों वाला लड़का। घुंघराले बाल? ओए खुशी, तू कुछ गलत समझ रही है, वो आरवी थोड़ी ना है। अरे आरवी के बाल ना घुंघराले नहीं है, उसके एकदम मतलब ऐसे बढ़िया। ऐसे कैसे घुंघराले नहीं है? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। अरे तूने गलत देखा है, गलत लड़के को देखा है तूने। बड़ी बुआ, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसकी शादी हमारे पियू से हो रही है। हाँ तो आरवी से ही तो हो रही है। हाँ तो उसके बाल घुंघराले हैं, मैंने अभी देखा है। अरे पुत्र, तूने गलत देखा है, बोल रही हूँ ना मैं। बुआ प्लीज यार। रुक तू, मैं स्यापा ही खत्म कर देती हूँ। तुझे दिखाती हूँ अभी उसके बाल घुंघराले है कि नहीं, तुझे आरवी के पास ले चल चुके, अभी दिखाती हूँ तुझे। हाँ अरे मम्मी कहाँ है? इनकी मम्मी ना मेरी दूर की रिश्तेदार है, बहन है मेरी। इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है तो दूर के रिश्तेदारों को भी मैंने बुला। अरे हाँ, मैं ना तुझे आरवी से बाद में मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे मम्मी से मिलवाओ ना, चलो कहाँ है। उर्वी जा तू, माँ लग रही, कितनी प्यारी लग रही। हाँ लेकिन आपसे कम लग रही हो, आप कितने प्यारे लग रहे हो। चुप कर, कुछ नहीं पता तुझे। अरे सच में? अच्छा इधर आ, इधर आ। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है? मेरी माँ लग रही है। बहुत सुंदर लग रही, सबसे सुंदर लग रही, मेरी बच्ची सबसे सुंदर। हाँ पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे लगता है इनफैक्ट सारी माँ को अपने बच्चे अच्छे ही लगता है। हाँ ये बात तो सही है, पर इधर ये देख, ये जो मेरा बच्चा है ना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो दिल है ना वो बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर। पूर्वी भाभी, आई एम सो सॉरी गाइस, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं आओ यार, आई एम सो सॉरी, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। वो क्या है ना, मेरा भाई आरवी वहाँ पे अकेले शादी नहीं कर सकता, तो पूर्वी आपको मंडप में आना पड़ेगा। मैं तुझे लेने आई थी और बातों में लग गई, तू चल। हाँ बेटा चल, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत टेंशन लेगा और अपना बीपी बढ़ा लेगा। Just kidding guys, BP वाली बात तो जोक थी, but then वो टेंशन सॉलिड लेगा और वो सबसे पहले मेरी बैंड बजाएगा। Guys please चलो। ठीक है, ये तुम्हारे बालों पे ना कुछ लगा है, ठीक कर लेना। मेरे बालों में? अरे अरे यार, बालों को केक खाने की आदत कब से पड़ गई? छी, अरे यार धोना ही पड़ेगा। सुनो, हेलो, क्या लड़का है? अब शादी का वक्त हो रहा है, रेडी भी नहीं हुआ। इसे आने दो, मैं ना पूरी पूरी शर्तों की लिस्ट रख दूंगी इसके सामने। शर्तें तो रखनी पड़ेगी, वरना शादी के बाद बोलेगा कि किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, ऐसे शादी नहीं कर सकता। आई विल वेट। क्या कर रहे तुम लोग यार, मरवाओ क्या? वैसे मर्दों की तरह क्यों चल रहे हो? अबे जनानी बनो, थोड़ी नजाकत के साथ चलो यार, कुछ भी नहीं आता यार तुम लोगों को। यार कुछ करो ना, वो होती है ना, क्या बोलती है लड़कियों की जो अदा होती है, हाथ ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे कमर में थोड़ी कमर या कुछ तो करो यार। हटो यार, मैं करके देखो, मेरे को देखो, मेरे को देखो, एक ही बार दिखाऊंगा, अच्छे से देखना ठीक है। हाथ को ना ऐसे लूज छोड़ देने का, और ये जो कमर है ना, लेफ्ट राइट। क्या भाई बदतमीजी चल रहे हो आप? या तो तेरी आंखें खराब है या तो तेरा दिमाग खराब है। जो देखना हो तो तेरे को दिखता नहीं, जो नहीं देखना हो तो तेरे को पहले दिखता। तू ना ज्यादा दिमाग मत खराब, सवाल जवाब किया कर ठीक है। जो बोला हूं तो रुक कर, अबे शट्टा नीचे रखो ना यार, नीचे करिए बनकर। किसने देख लिया, बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। पूर्वी को ना लिए बिना मैं आज यहाँ से जाने वाला हूँ नहीं, इसलिए जो बोल रहा हूँ जितना भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर, मुझे बस सिर्फ फॉलो करो, और ना ऐसे मर्दों की तरह मत चलो, थोड़ा थोड़ा करो ना यार, प्लीज यार, पैसे दे रहे हो कुछ तो करो यार, आराम करो भाई। अभी रहो, पता है मेरे को, मैं तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना मैं।
तुम लोग पूर्वी का कमरा दिखा दो, कम आ जाओ। होगा नीचे हो पूरा 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 पूर्वी का। भाई आपको तो पता, कल रात को ना भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बताया। भगवान सपने में? मैं चुप करना यार। अबे अनपढ़, मैं पढ़ा लिखा तू अनपढ़ है। क्या लिखा है वहां पर इंग्लिश में? ब्राइड रूम। अंग्रेजी में लिखा, अंग्रेजी तेरे को आती नहीं। हिंदी में उसको बोलते दुल्हन का कमरा। पूर्वी अंदर योगी में जाता। घूंघट नीचे रखना। रुको, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जी हम तो यहां पे आशीर्वाद देने आए दुल्हन को। अच्छा तो चलो मेरे साथ, मेरी बेटी प्राची को भी आशीर्वाद दो, मैं तुम्हें उसके कमरे तक ले चलता हूं। चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए। मैं बुढ़ा को घुमा तो तुम लोग लड़की ना टेम्पो तक ले जाओ। अरे अब क्या हुआ, चलो ना। जी 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 जी, चलिए चलिए चलिए। काम तो हो गया, अब इसको लेके कैसे चलना है? भाई मैंने बाहर एक ड्रम देखा था नीला कलर का, उसमें इसको भरते हैं और लेकर चलते हैं। लेके आओ ड्रम, कोई देखेगा भी नहीं। जल्दी, इससे पहले कोई आ जाए। शायद कोई अंदर है। तो तमाशा हुआ था, अब तुम बंद करे तब आए बाहर। अभी उठा और चल उसको। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, अरे क्यों, क्या हुआ? अरे बताओ ना, हम यहाँ क्यों आए? ऐसी पागल जैसी बातें कर रही है तू दिया? अरे बताओ तो सही, हम यहाँ क्यों आए? ये लड़की भी ना
अरे भाई तेरी बहन की शादी होने वाली है यहाँ। दिया समझाई से क्या फालतू सवाल पूछ रही है? पूर्वी की शादी के लिए तो आए हैं ना, क्या हो गया तुझे? हाँ पता है, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। अगर पूर्वी दी की शादी होने वाली है तो फिर कराओ ना, कितना टाइम लगेगा ये बात। हाँ इसलिए थोड़ी मेहरबानी करके बता दो ना कब स्टार्ट होगी शादी। ए? जब दुल्हन मंडप में आएगी। मतलब प्राची गई है पूर्वी को लाने? अरे यार इस लड़की में इतना भी दिमाग नहीं है मैडम, ये तो कॉमन सेंस है कि जब तक दुल्हन नहीं आती दूल्हा अकेले शादी नहीं करता। अगर तुम दूल्हे के भाई नहीं होते ना तो तुम्हारी अक्ल ये ठिकाने कर देती। अरे अंकल। अरे पुत्र, तुम दोनों का रिश्ता ऐसा बन गया कि इतनी शरारत तो चलेगी ना, और संभालो आपस में। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, ठीक है बच के रहना मुझसे। चैलेंज चैलेंज ओए, ये चैलेंज चैलेंज छोड़ो और कोई जाके दुल्हन को तो लेके आओ। दिया जाके देखिए अभी। अरे आंटी ये इस लायक नहीं है, रहने दो। आई मीन जरूरत नहीं आंटी, देखो पूर्वी भाभी आ गई। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। हाय पूर्वी दी कितनी सुंदर लग रही है। कितनी सोहनी लग रही है गुड़िया रानी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जो भी होना मैंने जोगी होना, मैंने जोगी होना, मैंने जोगी होना, मैंने जोगी होना। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, रब तुझे हर बुरी नजर हर बुरी बला से बचाए। चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी गुड़िया रानी। तो बस आज से ये चांद का टुकड़ा मेरे जिगर का टुकड़ा बन गए। बाऊजी आपके ही नहीं हम सबके जिगर का टुकड़ा है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और हम सब इतने खुश हैं तुम्हारे घर पे आने से। प्राची जी आपकी गुड़िया रानी बहुत ही प्यारी है ना। भाई आज तो रब ने हमें छप्पड़ फाड़ के खुशियां दी हैं, अभी मिठाई तो बनती है इस मौके पे। हाँ दादू। बाऊजी शादी तो होने दीजिए। अच्छा 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 ठीक है भाई, शादी के बाद मुझे मिठाई खाने से कोई नहीं रोकेगा, पहले मेरी बात सुन लो। मैं शुरू करूंगा शक्कर पारे से और एंड करूंगा जाके रसगुल्ले से, और बीच में समोसे को भी हाथ मारता जाऊंगा। भी इतनी मिठाई खानी तो बनती है। बाऊजी जितनी मर्जी मिठाई खा लेना, रब की मेहर हुई है, कुड़ी वाकई बहुत अच्छी है। पसंद किसने की है? मेरी। सच में भाग्य से बनी है ये जोड़ी। ये जोड़ी सिर्फ हम नहीं रब ने भी पसंद की है ना प्राची? अरे आंटी आई एग्री विद यू। अब आप लोग वरमाला के रस्म के लिए चलिए।
चलो। अरे